नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार में। और आज हम लाए हैं अक्षांश रेखाओं पर स्थित जो रेखाएं हैं उनको दो बार काटने वाली नदियों के नाम, जो उनको दो बार काटती हैं उन नदियों के क्या क्या नाम हैं और कौन कौन सी वो रेखाएं हैं जिनको नदियां दो बार काटती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, हम ऐसी वीडियो लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ट्रिक का नाम है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, माली कम भूखा है। माली कम भूखा है, तो अगर हम पहले वाले शब्द की बात कर लें, इसमें दो हमको लेने हैं अक्षर, एक माँ और एक ली। देखिए दोस्तों, माँ से बनता है मकर रेखा, तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ऐसी नदी है दोस्तों जो मकर रेखा को दो बार काटती है। जैसे दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से मकर रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री अक्षांश, साउथ अक्षांश यानी दक्षिणी गोलार्ध में, और यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे जाकर, ये लिम्पोपो ऐसे। तो देखिए दोस्तों, दो बार काट रही है ना ये नदी, ऐसे नदियाँ दो बार रेखाओं को काटती हैं। सारी हम उन नदियों की बात करेंगे। दूसरा शब्द है इसमें दोस्तों कम। कम की कैसे आता है आपका कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो काटती है कर्क रेखा और कर्क रेखा जो कर्क रेखा को काटती है उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। दोस्तों, माही नदी ऐसी नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें, अगला है भूखा। अगला है भूखा, तो भूखा से हम देखेंगे भैसे बनेगा हमारा भूमध्य रेखा, और कासे बनेगा हमारा कांगो नदी। कासे बनेगा दोस्तों हमारा, ये देख लीजिए इधर, कांगो नदी। कासे बनेगा? कांगो नदी। तो कांगो नदी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। और दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, भूमध्य की जगह अगर आपको विषुवत रेखा भी मिल जाए, विषुवत, तो विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा एक ही होती हैं। इससे पहले अगर आपने इन रेखाओं के बारे में नहीं देखा है वीडियो, तो दोस्तों हमारे चैनल पर रेखाओं से संबंधित वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।